हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गायत्री एंड वेलकम टू गायत्री मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज ये वाला लुक हम सीखते हैं। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितने सारे डार्क सर्कल है, काफ़ी फेस डल हो चुका है क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो फेस काफ़ी स्लिम भी हो चुका है। तो मैं अब मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, पॉन्ड्स का जो जेल बेस है। इसको आप अच्छे से बिल्कुल जेंटली मसाज करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं है। पूरे अच्छे से फेस पे, नेक पे आप अप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद जो मैंने प्राइमर लिया है वो मेकअप स्टूडियो का लिया है, इसे आप लगाइए। यह आपके मेकअप को स्ट्रॉन्ग बनाता है प्राइमर। इसे मेकअप से पहले लगाया जाता है। ये हमारी छोटी झुर्रियों, छिद्र और त्वचा की खामियों को भर दी जाती है। तो इसके बाद फिर मैंने एक कंसीलर लिया है जो कि आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए जहाँ पे भी आपके डार्क सर्कल है। यह आपके डार्क सर्कल को छुपाता है, वहीं लगाइए जहाँ पे आपके डार्क सर्कल है, ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो ये हट जाएगा तो आपका मेकअप ख़राब दिखेगा। इसे अपनी जगह पे ही आप ब्लेंड कीजिए अच्छे से। अब मैंने जो फाउंडेशन लिया है वो रिकॉर्ड का इंद्रप्रस्थ लिया है और मैंने दो ड्रॉप ही लिए। दो ड्रॉप इनफ होते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन जो है काफ़ी थिक है और फुल कवरेज फाउंडेशन है। यह मैंने नाइका से बाय किया था और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। तो आपको भी लेना है तो आप भी नाइका पे से लीजिए या फिर अमेज़ोन से, अच्छा फाउंडेशन है। अब मैं कंटूरिंग करूँगी। तो मैं अंडर द चिक बोन पे कंटूर करूँगी, फिर उसके बाद मैंने टेंपल पे किया है, फिर साइड ऑफ नोज पे हम कंटूर करेंगे। मैंने ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं लिया, ज़्यादा वो ब्राउनिश मेकअप हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जॉ लाइन इन सब पे कंटूर करूँगी। तो आपको इस तरीके से कंटूर करना है और हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है अपर ऊपर की तरफ, और जॉ लाइन की तरफ हम जब ब्लेंड करते हैं तो नीचे की तरफ हमें ब्लेंड करना होता है। मैंने जो कंसीलर लिया है हाइलाइटिंग के लिए वो मैंने, यह लोरियल पेरिस का कंसीलर है, फुल कवरेज देता है। तो आप इस तरीके से लगाइए। अगर आप नाइट में मेकअप करते हैं तो इससे दो शेड लाइट कंसीलर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो और इन्हें ब्लेंड करने का तरीका यह है कि जहाँ लगा रहे हैं वहीं पर आप ब्लेंड कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अप्लाई करना है। अब मैं जो ब्लशर लगा रही हूँ वो इनसाइड का ब्लशर है, ये क्रीम ब्लशर है, इसे स्ट्रॉबेरी कलर है। तो इसे आप लगाइए, फिर मैं एक पिज़्ज़ा पफ से मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर जो है अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आइज पे। इस तरीके से आप डैपिंग मोशन में आप इस फाउंडेशन पाउडर को अप्लाई कीजिए। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना ब्राउनिश कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कंटूर किया है। फिर मैंने हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब मैं अपने चेक बोन्स पे आपको अपनी हाइलाइटिंग करनी होती है, नोज पे अप और उसके बाद, और मैं मिडल पे अब हेड पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आईब्रो बना लेते हैं। तो जब तक आईब्रो नहीं बनते ना मेकअप का कोई लुक नहीं आता है। तो आईब्रो अच्छे से बनाई है, उसके बाद मैंने
आईज़ पर कंसीलर अप्लाई किया है उसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। आपको कंसीलर अप्लाई करना है, आप ये नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाएंगे आप उससे ही आप फिर आई मेकअप स्टार्ट कर देंगे, जो कि सही नहीं है। कंसीलर ठीक होता है तो उसे ही आप अप्लाई कीजिए, फिर पाउडर से पाउडर लगाइए, सेट कीजिए, फिर आई मेकअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले लाइट ब्राउन से पूरे आई लिड पे ब्लेंड कर लिया है, फिर आउटर कलर पे मैंने थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर लिया है। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो मेकअप देख के सीखना तो नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, देख के आप सीखिए करिए तो इससे आपको भी आ जाएगा। और जो ब्राउन कलर लिया है मैंने ऊपर, वही आप अंडर आई के नीचे भी आप ब्राउन कलर आप अप्लाई कीजिए। तो अब मैं लिप लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो स्विस पुटी की है, कॉफ़ी कलर है ये। अब इस तरीके से आई ये सॉरी लिप पे आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। इसे अच्छे से आपका जो आपके लिप्स है वो अच्छे से दिखते हैं और अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैंने मजेंटा कलर से फिल किया है और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा था। तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, मेकअप फिक्स कर रही हूँ जो कि स्विस ब्यूटी का ही है। तो अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैंने गोल्डन ड्रेस पिंक, लाइट पिंक थी तो मुझे लगा थोड़ा आईज़ पे थोड़ा गोल्डन कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले आप शिमर लगाइए, फिर उसके बाद आप ग्लिटर, प्रेस ग्लिटर जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं। अब मैं मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ, ये मैं भूल गई थी तो मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ। और मस्कारा लगा के मैं अपना मेकअप डन करूँगी और ऐसे आई बॉन पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर पे। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।